हमने बहुत मरतबा इस हदीस को सुना होगा, लेकिन सफाई के एतबार से हमने इस हदीस को नहीं सुना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में रात भर कचरा पड़ा रहे, यानी जिस घर के अंदर रात में कचरा पड़ा रहे, अल्लाह उन घर वालों के रिस्क से बरकत उठा लेता है। इसका मतलब इमामुल अंबिया हमें पैगाम क्या देना चाहते हैं, सैयदुल अंबिया का पैगाम क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में रात के बाद सुबह इस हालत में कभी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ हो। लेकिन हुजूर की बात करने का अंदाज है, क्योंकि हर आदमी अपने अंदाज से बोलता है, और ये इमामुल अंबिया का लबो लहजा है। टीचर बोलेगा तो अपने अंदाज से, डॉक्टर बोलेगा तो अपने अंदाज से, मौलवी बोलेगा तो अपने अंदाज से, खतीब बोलेगा तो अपने अंदाज से, अदीब बोलेगा तो अपने अंदाज से, शायर बोलेगा तो अपने अंदाज से, सबकी बातें जुदा जुदा है। लेकिन जब नबियों का इमाम बोलेगा तो नबियों का इमाम अपने अंदाज से बोलता है, और उनके अंदाज की शान यह है कि बड़े बड़े अदीब खतीब शायरों की हालत उनके सामने यह है, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लछे, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। जब वो बोलते हैं तो फिर अल्लाह अकबर सब खामोश हो जाते हैं, बल्कि उनका बोलना खुदा को इतना पसंद है कि कुदरत अपनी बात भी उन्हीं की जबान से सुनना चाहती है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो जहां तक कचरे की बात है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस हालत में कचरे पे तुम्हारे घर में रात ना गुजरे कि तुम्हारे घर में कचरा पड़ा हो। जिस घर में रात में कचरा पड़ा हो, उस घर से अल्लाह रहमतों को उठा लेता है। उसके बाद आप देखें, तवज्जो फरमाएं, पाकिजगी का उनवान चूँकि आपने जो है वो आज चुना है, अर्ज़ करूँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो और जुन भी हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। देखो ये नबी के बोलने का अंदाज है, इमामुल अंबिया के। जुन भी किसको कहते हैं? जुन एकदम हया के पहलू में, हया के अंदाज में। जब एक मर्द एक औरत के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करता है, मेरे बात ख्याल में आप सबके बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। मर्द जब किसी औरत के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करता है, हक के ज़ौजियत अदा करता है, तो उस पर गुस्ल फर्ज होता है, उसको इस्लाम के लबो लहजे में जनाबत कहते हैं, और जिस पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो तो उसको जुनबी कहते हैं। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में जुनबी हो, यानी ऐसा शख्स जो बीवी के साथ ज़ौजियत का वजीफा अदा कर चुका हो, वो जहां भी होगा और कुत्ता जहां होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अगर उसने ऐसा काम किया है जिसको वजीफे ज़ौजियत कहते हैं और उस पर गुस्ल फर्ज है, तो लेट में लेट उसको सूरज निकलने से पहले पहले गुस्ल करना फ़र्ज है, इसलिए कि नमाज का आखिरी टाइम सूरज तुलू होना है, और उसको फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल कर लेना उस पर फ़र्ज है। अगर वो गुस्ल नहीं करता तो वो गुनहगार होगा और उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अब आप गौर फरमाएं, साइंस ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं कि जिस वक्त इंसान जनाबत से दो चार होता है तो उसके एक एक बाल से गुजर करके वो मादा खारिज होता है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाल के हर बाल के नीचे जनाबत है, और इसीलिए गुस्ल जनाबत बहुत एहतियात से करने का हुक्म दिया गया है। तो आप अंदाज़ा फरमाएं, अब उन लोगों को देख ले जो जनाबत करें और उसके बाद सूरज निकलने से पहले गुस्ल करें, तो वो लोग जो हैं पोशीदा अमराज का शिकार नहीं होते, वो उन बीमारियों का शिकार नहीं होते, अगर वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करें। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम के बोलने का एक अंदाज़ है। इसी तरीके से आका फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, आजकल एक फैशन चला है सिनेमा के ज़रिए से, फिल्मों के ज़रिए से, सीरियल के ज़रिए से, लोग कुत्ते को पालते हैं बच्चों की तरह, उसको सीने से लगाते हैं, उसको बिस्तर में लेकर के सोते हैं। अभी आपने कुत्ते के हवाले से एक बीमारी का जिक्र सुना, ये कुत्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है, जिस घर में कुत्ता हो उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और यहाँ तक के फुकहा फरमाते हैं, जो बला ज़रूरत कुत्ते को पालेगा अल्लाह की बारगाह के अंदर वो जवाबदेह होगा और अजाब का मुस्तहिक होगा। क्यों? इसलिए कि जो कुत्ते की राल है, कुत्ते की फितरत है कि उसकी हर वक्त राल टपकती रहती है, और जब उसकी राल टपकती है तो उसकी राल के अंदर सदहा बीमारियां मौजूद हैं।
उसकी राल के अंदर सदा बीमारियां मौजूद है। आज लोग कह रहे हैं कि उसकी राल में सदा बीमारियां मौजूद है, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते से दूर रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे।